हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं बनाऊंगा 2 मिनट्स में बहुत टेस्टी यम्मी सा डेजर्ट। चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक चम्मच जैसे घी लिया है, जिसके मैं मेल्ट कर लेती हूँ। चलिए, मेरा मेल्ट हो चुका है। और मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे घी अच्छा ले रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नॉर्मल से भी डाल सकते हैं। चलिए, मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। गोल्डन ब्राउन कर लेना है हमें इनको। देखिए, मैंने जो घी में अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है चलाते हुए। देखिए, मैंने यहाँ पे वही वाला लच्छा से लिया है घी लच्छा। देखिए, मैंने अच्छे से इनको फ्राउन फ्राई कर लेना है। वो चलाते हुए मैं छोड़ देना है इनको। देखिए, मेरा कलर चेंज होने लगा इनका। और थोड़ा मैं इनका कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए, मेरा परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इनको ठंडा करने के लिए रख निकाल लेती हूँ। देखिए, जैसे मैंने निकाल लिया है प्लेट में। और मैं यहाँ पे आधा के जी दूध लिया है। मैं यहाँ पे अमूल ताजा दूध लिया है। आपके घर में जो आता है वो आप बना सकते हैं आप उसे। चलिए, मैं इनको एक बॉईल आने तक मैं इनको पका लेती हूँ। देखिए, और मैं यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है। मैं यहाँ पे वनीला का कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। और देखिए, मेरे बॉईल आ चुका है। मैं यहाँ पे ठंडा दूध से मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं देखिए, मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए, मैंने ऐसे ही रखना है पूरा इनको। देखिए, और चलिए मैं अब दूध में हल्का डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लेता है। देखिए, मेरा दूध दूध में बॉईल आ चुका है इनका। चलिए, मैं इनके में कस्टर्ड पाउडर डाल के मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए, बहुत यम्मी सी रेसिपी है। देखिए, मैं हल्का हल्का डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, मैं इनको चलाते हुए पका लूंगी। देखिए, आप इनको ना कभी भी फेस्टिव में बना सकते हैं। छोटे मोटे भूख के लिए आप, या छोटे बच्चों को पार्टी के लिए बना सकते हैं, बड़े पार्टी के लिए, और सभी को बहुत पसंद आएंगे। चलिए, मैं यहाँ पे आपके आप चीनी डाल दी हूँ। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। चलिए, इनको भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए, मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। देखिए, मेरा गाढ़ा भी हो रहा है ये। और मैं देखिए, मैं इनको खुरचते हुए मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है ये। आप एक बार इनको जरूर ट्राई करना, हमें कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगा। और मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इनको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, बहुत ईजी सी रेसिपी है। आप 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं इनको। बहुत कम टाइम लगेगा बनाने में ये। देखिए, मैं इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। देखिए, मेरा अच्छे से एक मिक्स हो चुका है ये। देखिए, मैं अब इनको ठंडा के लिए रख लेती हूँ। देखिए, मेरे अच्छे से मैं ठंडा के लिए रख लेती हूँ इनको। चलिए, मैं यहाँ पे एक प्लेट में जो फ्राई किया था सेवैया, मैं उनको पहले मैं फैला लेती हूँ। देखिए, मैंने इनको फैला लिया है। और उस पर मैं कस्टर्ड जो बनाई थी दूध वाला, मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। चलिए, मैं इनको भी अब फैला लेती हूँ अच्छे से, ताकि पूरे में सेवैया ढक जाए। ये बहुत ईजी है, बस सिंपल सा रेसिपी है। बस बाहर से कुछ भी नहीं लाना है हमें, बस घर के सामान से बन जाएगा। मैं दूसरा लेयर भी सेवैया का ऐड कर रही हूँ। देखिए देखिए, मैं पूरा इनको फैला लेती हूँ इनको भी अच्छे से। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सी रेसिपी है। एक बार जरूर ट्राई करना। एक बार बनेंगे ना तो बार बार इनको बनाने का मन करेगा आपको। बहुत इतना ईजी और टेस्टी रेसिपी है ये। देखिए, मैं इनको भी फैला लेती हूँ। और मैं यहाँ पे अब ऊपर से मैं अब इनमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लूंगी। देखिए, आपके यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे काजू, किशमिश और बादाम लिया है, जिससे मैं बारीक बारीक कट कर लिया है। देखिए, मैं इनको भी अच्छे से फैला लेती हूँ। देखिए, और देखिए, मैं इनको अब ठंडा करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख लेती हूँ, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए ये। देखिए, मेरे बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं आपको प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी सा लग रहा है देखने से। बहुत इजी, बहुत टेस्टी सा रेसिपी है। आपको ये रेसिपी थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और फैमिली फ्रेंड्स में आप जरूर शेयर करना। देखिए, बहुत यम्मी रेसिपी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना भूले। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।